देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का कुर्ता सिलाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको वहां से देखिए तिरछा करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है पाइपिंग के लिए, अगर आप लोग निकालते हैं इसके जो है डोरी के लिए, तो कभी भी आप जो है उरेम में ही कटिंग कीजिएगा। क्या है कि उरेम में कटिंग करने से देखिए ये जो है आपको जो है ये छड़ के भाग हो गया, लगभग 1 से 1.25 इंची चौड़ा आप लोग काटिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप जितना भी पतला सिलाएंगे ना, ये आसानी से जो है पलट जाता है। तो इसीलिए जो है इसको जो है यानी उरेवी में काटा जाता है दोस्तों। आपको क्या करना है, एक चाप से भी कम पर सिलाना है, ठीक है दोस्तों। क्या है कि जितना भी पतला बनाएंगे उतना जो है नहीं रहेगा, ठीक है। मशीन के सुई में जो है दो दो बार लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए और बहुत आसानी से पलट जाता है, देखिए। और आपको यहाँ पे एक गांठ लगा देना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे इस तरह से जो है लगाना है, और उसके बाद जो है ये गांठ में जो है फंसा देना है दोस्तों, देखिए इस तरह से। अब सुई के जो है उल्टे करके जो है वहाँ से अंदर घुसाना है, ठीक है। उसके बाद जो इस तरह जो है पूरा सुई के निकाल देना है। और देखिए दोस्तों मशीन के ये होता है ना, सांप को जो है टाइट कम करने के लिए उसे फंसाइए, और एकदम यहाँ से जो है मिला करके चुटकी से पकड़ करके और कपड़े जर में जो है कपड़ा का जो है मिलाते रहिएगा, ठीक है। नहीं मिलाइएगा तो देखिए इस तरह तानने पर जल्दी नहीं आएगा, तो उसको मिलाते रहना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों वहाँ पर जो है गांठ नहीं होने देना है। जब ये चुमर करके वहाँ चल जाएगा तो फिर यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है दोस्तों। देखिए और उसके बाद जो है आपको अब यहाँ पे पकड़ करके यहाँ तानना है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है आपको जो है लुपी लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करें, 2 इंची की लुपी काटिएगा, ठीक है। ये जो है लुपी जो है आपको 2 इंची का है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस तरह से जो है चीना लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इस पर जो है एक इंची पर इसको जो है लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से जो है सेंटर देखिए, सेंटर आप जो है यहाँ पे देखिए ये सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर में जो है सेंटर से जो है एक चाप को रख करके आपको सीधे सिला देना है, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पर भी एक लगाइए, और देखिए एक साइड में जो है 9 लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो 9 × 2 = 18 पीस आपको जो है ये लगेगा, देखिए इस तरह से जो है। और उसके बाद जो है इसको क्या करना है, वीडियो देखते रहिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो देखिए मेरे चैनल पर दोस्तों कोई वीडियो नेपाली में आएगा, कोई वीडियो हिंदी में आएगा। तो अगर आप लोग कौन सा भाषा में देखना चाहते हैं वो कमेंट कीजिएगा, मैं वही भाषा में बना देंगे। अगर भोजपुरी में बोलेंगे ना दोस्तों, तो भोजपुरी में भी बना देंगे। तो मुझे भोजपुरी और नेपाली और हिंदी दोनों तीनों भाषा आता है। तो देखिए इस तरह से जो है लगा देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए इस तरह से जो है देखिए, और ठीक इस साइड में लगाने के बाद जो है उस साइड में भी इसी तरह से जो है लगाना है। अब ठीक इस साइड में भी आप लोग जो है उसी के बराबर में जो है देखिए उसी तरह से जो है इधर में भी जो है देखिए दोस्तों, देखिए इस तरह से जो है उसके जर में और इसका जर में दोनों मिला करके सटा करके सिलाना है। उसके बाद जो है पट्टी लगा करके पलटाना है दोस्तों, सब मैं बताऊंगा। वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो आप लोग जो है छोड़ करके मत जाइएगा, नहीं तो अधूरा काम देखिए, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है बोलते हैं लोग। तो कोई भी काम अगर आप लोग करते हैं तो उसको जो है फुल वीडियो देख लिया कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। 13.5 इंची होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये कंधे से लेकर के और वहाँ तक 13.5 इंची सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। चीरा जो है इस तरह से जो हो गया ना, देखिए अब इसको क्या करना है, एक पट्टी लेकर के अंदर से सिलाना है। देखिए एक पट्टी जो है आपको जो है इस तरह से जो है लगभग 10 इंची का ये पट्टी, लगभग उससे जो है ज़्यादा होना चाहिए। और आपको जो है 2.5 इंची का चावड़ा जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो देख रहे हैं ना,
ऐसे इस तरह से जो है रख करके ऊपर से जो है दोस्तों देखिए इस तरह से जो देख रहे हैं ना, इस तरह से जो पट्टी रख दीजिएगा, रखने के बाद इसको पलटा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह पलटा देने के बाद देखिए, हाँ सेंटर में इस तरह से जो है पलटा लेने के बाद जो है आपको जो है पट्टी का कपड़ा का जो है सेंटर मिला लेना है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए जो पहले ये लूपी के लिए सिलाई लगाया गया है इसको जो है देखिए सेंटर भाग मिलाते रहिएगा, और सिलाई का जो है इधर में देखिए सिलाई के इधर में चलाना है आपको, उधर नहीं चलाना दोस्तों, सिलाई के इधर में चलाइएगा। देखिए और जो लूपी लगाए हैं उससे लगभग तीन चार टांगे, बस चार टांगे नीचे तक जो है इसको सिलाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये ठीक इस तरह जो है चार पार्टी इसको सिलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सिलाई का जो है इधर नहीं सिलाना है, उधर में कटने के बाद जो है वो सिलाई का टाँके जो है उधर रहेगा। देखिए यहाँ देख लीजिए, चलते हैं पलटा के भी चिर सकते हैं। देखिए इस तरह से जो है सेंटर में जो है आपको चिरना है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों जिस तरह से जो है बैक पॉकेट का कटिंग होता है उसी तरह यहाँ से छोड़ के और यहाँ से छोड़ के किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए मुँह पर जो है आपको जो है इस तरह से छोड़ के काटना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक छोड़ के नहीं काटेंगे वो सही से बैठेगा नहीं। देखिए इस तरह से जो है आपको जो है यहाँ पर सिलाई से एक टाँकी अंदर ही कटना है दोस्तों, ठीक है। सिलाई कटना नहीं चाहिए, अगर सिलाई कट गया तो समझिए वहाँ से भसक जाएगा। देखिए अब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऊपर से जो है देखिए अब चारों तरफ जो है लब पर सिलाई चलाना है, ठीक है दोस्तों। आपको एक सिलाई लगाना है, ठीक है दोस्तों, एक बराबर भाग होता है ना वो जो है एकदम फ्रेश आना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो है आपको जो है एकदम कपड़े को जो है बढ़िया से मिला कर जो है ये नोक पर जो है बनाना है दोस्तों। देखिए ये थोड़ा क्या है कि बूटे वाला कपड़ा है तो आप लोग के जो थोड़ा उतना फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इसे जो है सादा कपड़े में बना करके आप लोग के लिए मैं वीडियो को अपलोड कर दूँगा दोस्तों। आप लोग के लिए जो है मैं ये जो है सादे कपड़े में बना दूँगा, लेकिन हालांकि उतना फर्क नहीं पड़ा है देखने में। देखिए भी दोस्तों इसका जो है काम अभी खत्म नहीं हुआ है, साइड में एक फ्लाई लगता है उस तरह का पट्टी फिट करना है। देखिए इस तरह से हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखिए ये जो कपड़े आप लोग देख रहे हैं ना, ये कपड़े जो कांच है इसको एक बार दोबारा दीजिएगा दोस्तों, एक बराबर जो है इतना जो है सिला देना, ठीक है। उससे क्या होगा कि खास भी आपको चला जाएगा, और दूसरे में क्या होगा कि बिल्कुल फ्रेश ऊपर से डबल सिलाई दिखाई देगा। देखिए दोस्तों इस तरह से जो है ये हो गया, दिख रहे हैं ना। अब चलिए इसको थोड़ा आयरन से साफ करते हैं, और करने के बाद जो है इसमें और क्या करना है वो आप लोग को बताते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए आप लोग को जो है आयरन जो है गर्म करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए आयरन अभी हीट हो रहा है, और उसके बाद जो इसको जो है बढ़िया से जो है प्रेस से बैठाना है। देखिए ये एक मोड़ गद्दी है, मोड़ गद्दी पर रख करके बैठा रहे हैं, क्या है कि डेस्क पर अभी जो है वो प्रेस कार्ड नहीं बिछाए हैं, इसीलिए जो है इस तरह जो है साफ कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब साफ कर लेना है, ठीक है। देखिए इसको जो है आराम से जो है आयरन से सफा कर दीजिएगा, पहले भी कर देंगे तो हो जाएगा, बाद में सिलाने के बाद भी कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन पहले कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सफा होगा, फ्रेश दिखेगा आपको, जो पट्टी लगता है ना वो पट्टी लगाने में आपको आसानी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये हो जाने के बाद आपको जो है यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ढकने के लिए आपको जो है 2 इंची का पट्टी काटना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वो पट्टी काट के भी दिखाते हैं। इसे जो है दोस्तों एक पट्टी निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों, ये लगभग 4 इंच का है, ठीक है दोस्तों।
आप लोग की 4 इंच की पट्टी मैंने काटा हूँ। और इसको क्या करो, ऐसे जो है सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है इंटरलॉक नहीं करना है, इसको जो है सीधे पलटा देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे पाइप का लुक पलटाते हैं ना, इस तरह से जो है इसको पलटा दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से जो है ये पट्टी जो है अरे से साफ करके आ गया है। अब इसको क्या करना है आपको, देखिए बाएं साइड में दोस्तों एक बात के ध्यान रखिएगा, कभी भी जो है ये आपको जो है बावा साइड में सिलाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह से जो है बाएं साइड में एक पट्टी लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पट्टी को थोड़ा टाइट कीजिएगा। कोने पर जो है थोड़ा बांध देना है, उसके बाद जो है आपको जो है उसके बाद जो है इस तरह से जो है आपको वहाँ नीचे में जो है बांध देना। ठीक है दोस्तों, डिजाइनिंग कुर्ता आपको लुपी वाला कुर्ता, ये देखिए। देखिए ये क्या हुआ बताते हैं, ये नीचे में पलटा देने के बाद जो है क्या है कि इसमें भी खास नहीं हुआ दिखाई देगा आपको, इसमें भी खास नहीं दिखाई देगा। देखिए दोस्तों अभी ये जो है बन करके तैयार हो गया। ठीक है, और इसमें जो है अब क्या करना है, लूपी लगाना है। ठीक है, तो लूपी जो है दोस्तों लास्ट में लगाते हैं पूरा कुर्ता तैयार होने के बाद, वो भी आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। फाइनली जो है ये देख रहे हैं, फाइनली ये जो है रेडी हो गया है, और इसमें जो है हम लोग जो है ये लूपी लगा रहे हैं, यहाँ से नीचे शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, और देखिए एक यहाँ छोड़ना है, और उसके बाद जो आपको जो है ये आपको छोड़ना है ऊपर में जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए और इसके बाद जो है ये लगा, इसके बाद जो है ये इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें और सीधे चला जाएगा आपको। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय दोस्तों।